गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, टुडे योर टॉपिक एंड आल्सो न्यू चैप्टर स्टार्टेड, ठीक है, एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। ये चैप्टर 5 आपका स्टार्ट हो गया है, तो इसमें हमको पहले बताना है कि इंट्रोडक्शन, ठीक है, ये एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस ये है क्या चीज़, ठीक है। कह रहे हैं कि मॉडर्न एरा या वर्ल्ड इज द एरा ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चेंज एंड टेक्नोलॉजी। In response to this business throughout the world in changing its organization, way of working and use of technology, business process are being redesigned. ठीक है, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पूरा ग्लोबलाइजेशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है वो अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि इस पीरियड में ही, प्रेजेंट टाइम में ही बिजनेस हम रनिंग करवा रहे हैं, ऐसा तो नहीं। बिजनेस बिफोर टाइम भी होता था, प्रेजेंट टाइम भी हो रहा है एंड पास्ट टाइम भी होता रहेगा, ठीक है। बट इनका जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है, इनका बिजनेस का तरीका बदल गया है, बिजनेस की टेक्नोलॉजी बदल गई है, ठीक है, जो न्यू मोड्स में आ गए हैं, ठीक है। पहले हम लोग क्या किया करते थे बिफोर लॉन्ग टाइम, ठीक है, उस टाइम हम लोग किया करते थे बिजनेस, किसी को कोई चीज़ परचेस करना है, सेल करना है, ठीक है। उस टाइम करेंसी आई थिंक नहीं हुआ करती थी, ठीक है, तो उस टाइम लोग जो यूज़ करते थे सेल एंड परचेस, वहाँ पे यूज़ हुआ करता था बर्टर सिस्टम, ठीक है। बर्टर सिस्टम क्या है, ये गुड्स के बदले हम लोग क्या करते थे, गुड्स की सर्विस देते थे, ठीक है। तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते थे, बर्टर सिस्टम कहते थे, ठीक है। तो ये बिफोर लॉन्ग टाइम की सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोग बिजनेस कर रहे थे। फिर जैसे जैसे आपका वक्त बीतता गया, वैसे वैसे टेक्नोलॉजी आती गई। फिर बाद में टेक्नोलॉजी आई, कुछ बर्टर सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम होने लगी, बहुत सी चीज़ें लोगों को अच्छी नहीं लगी, ठीक है। फिर टेक्नोलॉजी जब बढ़ती गई तो फिर बाद में करेंसी आई, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते थे, गुड्स के बदले करेंसी, ठीक है, वहाँ पर यूज़ करते थे। फिर उसके बाद जो अब टेक्नोलॉजी आ रही है, वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी ये हो गई कि हम लोग अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी बिजनेस करने लगे, ठीक है। घर पे बैठे बैठे हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग इसी न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में, न्यू एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पूरा डिस्कस करने वाले हैं, जो हम आपको अकॉर्डिंग टू टॉपिक बताएंगे, ठीक है। ये तो क्या था, छोटा सा इंट्रोडक्शन था। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो पूरे ग्लोबलाइजेशन में, पूरे वर्ल्ड में जो बिजनेस में चेंजिंग हो रही है, वो अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, वो किस तरह हो रही है, ठीक है। उसके बेनिफिट्स क्या है, उसके स्कोप क्या है, उसकी मेरिट एंड डीमेरिट क्या है, वो सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ ई बिजनेस। इसमें फर्स्ट है ई बिजनेस। ये ई बिजनेस क्या है, ई बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है, ठीक है। तो हम इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ई बिजनेस रिफर टू कैरिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज थ्रू इंटरनेट। यहाँ पे कह रहे हैं कि इस बिजनेस को, ई बिजनेस को हम लोग चलाएंगे, कैरी करेंगे अकॉर्डिंग टू किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। अब इंटरनेट के थ्रू चलाने के लिए हमको क्या होना चाहिए, उस इंटरनेट में चलने वाली हमको एक्यूमेंट होना चाहिए, मतलब कि, मतलब ऐसा सिस्टम होना चाहिए, ऐसा कोई गुड्स होना चाहिए, ऐसी कोई थिंग्स होना चाहिए जो इंटरनेट के थ्रू हमारे बिजनेस को कैरी कर सके, ठीक है। तो उसके बाद है बिजनेस एक्टिविटीज़ कंप्राइज टू इंडस्ट्रीज, कॉमर्स एक्टिविटीज़ टू कॉमर्स फर्म्स यूज नॉट ओनली जनरल इंटरनेट फैसिलिटी फॉर ई बिजनेस, बट दे आल्सो प्रीफर टू हैव दियर प्राइवेट एंड पर्सनल इंटरनेट फैसिलिटीज फॉर दियर इंटरनेट फंक्शनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो इंटरनेट के अकॉर्डिंग हम लोग बिजनेस को रन कराएंगे, बिजनेस को कैरी कराएंगे, तो उसमें हमारे पास होना चाहिए ऐसी कोई इक्विपमेंट जो इंटरनेट से हमको क्या करती है,
जोड़ देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई मोबाइल होना चाहिए, हमारे पास कोई लैपटॉप होना चाहिए, हमारे पास कोई कंप्यूटर होना चाहिए। तो कंप्यूटर आपका क्या है, कंप्यूटर तो आपका एक इक्विपमेंट है, बट इंटरनेट क्या है, इंटरनेट के थ्रू हम लोग कंप्यूटर को क्या करेंगे, एक दूसरे से कनेक्ट करके हम घर बैठे ही अपने बहुत सी बिजनेस की प्रोसेस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका स्कोप बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है, ई बिजनेस का। तो वो स्कोप क्या क्या होगा, अब हम लोग उसके आगे नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ठीक है।